वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने प्रवासी कामगार और श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा गठित उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कार्य किए जाने के निर्देश दिए, जिससे सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल सके। गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिलाधिकारी KVN पांडियन, जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित सेवा योजन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किसी कारण से आपने जिसको जॉब दिया है उसका नाम नहीं शो हो रहा है तो उसमें आप एक नया पंजीयन करा देंगे, नया पंजीयन नदी के लॉकर से होना है, पंजीयन करके जैसे पंजीयन होगा उसका नाम लिख जाएगा। तो इसको कर दीजिए, इसका लेटर भी जारी किया गया है जिसमें की फॉर्मेट्स भेजे गए हैं जनपद में। ये अगर आप देखें तो 22 जुलाई का पत्र है, 22 जुलाई 2020 का, इसमें अंकन किए जाने के विषय में डिटेल पत्र दिया हुआ है अपन सर के तरफ से, और इसमें DM को भी इसमें भेजा गया है कि फॉर्मेट थे, इस फॉर्मेट सूचना भेज दें। तो अंकन अगर आप कर देंगे तो फिर फॉर्मेट भी आराम से निकाल सकते हैं। इसी क्रम में जो चौथी बात थी, चौथा जो जिम्मेदारी थी वो थी कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के स्किल मैपिंग पूर्ण कराना, कौशल उन्नयन कर सवेतन रोजगार एवं रोजगार के अवसर दिए जाना। तो इसमें कौशल मैपिंग आप लोगों ने प्रवासी समूह की ऑलरेडी करा ली है, ये कैसा कार्य है जो कि पूरा कौशल विकास मिशन की तरफ से अपने प्रदेश के समग्र रिव्यू अगर कर लेंगे आप कैसे जो समय रिव्यू कर लेंगे एक बार अपने बुलाकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को या मैनेजर को, तो वो आपको ट्रेनिंग के टारगेट्स कितने दिए गए हैं जनपद में, कितनी हो सकता है तो सर्टिफाइड ना हो तो RPF की माध्यम से उनको हम सर्टिफाई करवा देते हैं, उनको फिर आगे वेतन अच्छा मिल सकता है या उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, रोजगार कर सकते हैं, इसके हम प्रयास कर सकते हैं। पांचवा बिंदु जो है ये मैंने पहले ही मेंशन किया था कि DM से आधारित वक्त में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित प्रत्येक सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से और उस बैठक का कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तो इस विषय में मैंने पहले कार्यक्रम भी बताया और इसका बनवाया है प्रोफेसर व्यवस्था भी, तो इसमें फिर और DM सम्मान करते और वीडियो अपलोड नहीं करेंगे वीडियो रिकॉर्ड की नदी में आते जाएंगे, तो मेरा अनुरोध है अगर सबने काम किया होगा वीडियो की कमी होगी तो कृपया करके जो पोर्टल है उस पोर्टल पे इसका अंकन भी करते जाएंगे। और इस क्रम में जो पत्र जारी हुए हैं 1 जुलाई का पत्र है, 22 जुलाई का पत्र, ये सारे मैंने इन लेटर्स को और सर ने बनाई थोड़ी सी तो उसको भी पत्र दिसंबर कॉल हो गया है प्रवासी का मैपिंग आ चुका है, निवासी का आप लोग को अभियान के फॉर्म में कराना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है विभागों द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को गांधी तथा योजना में लाभ देना विभाग आ गई है कि आप लॉगिन करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड मैंने बताया है और कैसे बात करेंगे हम दिखाएंगे आपको भी। चौथा पार्ट है रोजगार प्राप्त श्रमिकों एवं बेरोजगार व्यक्तियों का फोटो अंकन करना, नया पंजीयन की बात नहीं है, समस्त सरकारी विभागों एवं औद्योगिक संस्थानों को फोटो जोड़ लेना पड़ेगा। ये एक और बात एक है जो नई बात इसमें है कि जो औद्योगिक संस्थान भी आपके अपने अपने क्षेत्र में है उनकी भी व्यवस्था बनाई गई है कि वो भी अपने पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन कर सकते हैं।